नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार महावीर वार्ड नागपुर की कार्यकारिणी भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य जी पुलसागर जी गुरुदेव के निर्देशानुसार गठित की गई है, जिसमें सूरज जैन पेंढारी अध्यक्ष, रमेश उदयपुरकर को महामंत्री पद पर निर्विरोध चयन किया है। पुलक मंच परिवार गत 2005 से नागपुर में सक्रिय है। पुलक मंच परिवार का उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवारत रहना है। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, मानव सेवा के कार्य करना संस्था का उद्देश्य है। मंच को उसके कार्य के लिए अनेक अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अवार्ड महापौर इनोवेशन अवार्ड है। कार्यकारिणी समिति में परम संरक्षक मनोहर राव उदयपुरकर, संरक्षक द्वय मनीष मेहता, जगदीश गिल्लरकर, संयोजक शरद मचाले, कार्याध्यक्ष पंकज बोहरा, उपाध्यक्ष नरेश मचाले, मंत्री अमोल भूसारी, कोषाध्यक्ष प्रकाश उदापुरकर, प्रवक्ता नितिन रोहनी, सांस्कृतिक मंत्री अतुल महात्मे, कार्यकारिणी में मनोज बंड, कुलभूषण डहाले, अनंत कुमार शिवनकर, शांतिनाथ भांगे, सुरेश कुमार महात्मे, प्रभाकर मानेकर, निलय मुधोलकर, मंगेश बीबे, विजय कापसे, शशिकांत बानाई, संजय पांडवकर, राजेश कहाते, प्रशांत आलसे, प्रमोद राखे, सचिन जैन, महेंद्र शिवनकर, शरद चंद्र अवथनकर, अविनाश शाहकार आदि सदस्य एवं पदाधिकारी गण शामिल है। वर्चुअल सीपीई मीटिंग की एक श्रृंखला हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय कर समिति द्वारा और ICAI की WII नागपुर शाखा द्वारा आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में CA संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति ICAI, CA कोथा एस श्रीनिवास, उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति ICAI, CA अभिजीत केलकर, RCM, ICAI, WIRC शाखा आदि मान्यवर उपस्थित थे। अपने स्वागत भाषण में नागपुर शाखा के अध्यक्ष CA जितेंद्र सगलानी ने सदस्यों का स्वागत किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए नागपुर शाखा को यह अवसर देने के लिए राष्ट्रीय समिति को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर सत्र जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई मूल्यांकन करता है जिन्हें व्यक्तिगत कराधान या यहाँ तक कि संस्थागत कराधान की बातें करते समय सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि चीजें वैश्विक स्तर की हो रही है। उन्होंने सदस्यों के लाभ के लिए भविष्य में होने वाले कार्यक्रम और भविष्य में होने वाली आयोजनों से अवगत कराया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि CA संजय कुमार अग्रवाल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय कर समिति में की जा रही गतिविधियों और प्रयासों पर सदस्यों को संबोधित किया। संसार से पार होने के लिए ज्ञान ही नाव है, ज्ञान पाने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। ये उद्गार परम पूज्य मुनि श्री प्रशम सागर ने मोठे मंदिर के इंद्र भवन में कहा। उन्होंने आगे कहा, आज भी जैन मंदिरों में संध्या काल में वचनिका यानी शास्त्र वाचन चलता है। डिग्री वालों के सिग्नेचर से लौकिक काम होते हैं, स्वाध्याय करने वालों के स्वाध्याय से पारलौकिक काम यानी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्र से हम जिनमत को समझ लेते हैं, ये जिनवाणी है, मनवाणी नहीं है। अष्टपाहुड़ में आचार्य ने बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सार मोक्ष है। शास्त्र पर श्रद्धान करने से सम्यक ज्ञानी बनते हैं। स्वाध्याय पूर्वग्रह छोड़कर करना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करने से साम्यत्व की प्राप्ति होती है। चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का क्रम से स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे प्रथमानुयोग में महापुरुषों के कथानक है, 24 तीर्थकार का वर्णन है, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है, मुनि के मुख से जिनमत का अमृत झरता है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक गंधर नहीं मिलने से प्रसारित नहीं हुई, बाद में गौतम गंधर मिले और जिनवाणी खीरी जो आज हमारे लिए अंश के रूप में प्राचीन आचार्यों ने उपलब्ध की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय बिलासपुर में महाप्रबंधक एवं अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन सेंट्रल हॉस्पिटल बिलासपुर में ब्लड स्टोरेज सेंटर तथा रेलवे सुरक्षा बल के साइबर सेल का शुभारंभ VK त्रिपाठी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड द्वारा झारसुगुड़ा से बिलासपुर के मध्य विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ आलोक कुमार महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण में उन्होंने बिलासपुर एवं झारसुगुड़ा के मध्य किए जा रहे चौथी रेल लाइन तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों का जायजा लिया।
बिलासपुर आगमन के पश्चात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय स्थित सभागार में वीके त्रिपाठी ने महाप्रबंधक, सभी विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक बुलाकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चल रहे आधारभूत संरचना के विकास कार्यों, महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं तथा रेल परिचालन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण कार्यों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। त्रिपाठी ने विभिन्न आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों की प्रगति, उनमें आ रही कठिनाइयों तथा कार्यों को समयानुसार करने पर जोर दिया। दुबई स्थित मसाल किंग डॉक्टर धनंजय दातार ने अल आदिल समूह की 38वीं वर्षगांठ पर लिखी अंग्रेजी ऑटोबायोग्राफी मसाल की अ जर्नी ऑफ मेमोयर्स का विमोचन प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर के हाथों से और केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री तथा वरिष्ठ आरपीआई नेता रामदास आठवले के उपस्थिति में दुबई में एक भव्य समारोह में हुआ। इस मौके पर डॉक्टर दातार की पत्नी वंदना, पुत्र ऋषिकेश और रोहित के अलावा दुबई के गणमान्य व्यक्ति, अल आदिल के कर्मचारी और ग्राहक उपस्थित थे। सुरेश वाडकर के मधुर गीतों से सजा यह कार्यक्रम दुबई के लोगों के लिए अविस्मरणीय रहा। आत्मचरित्र के अवसर पर अल आदिल समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मसाल किंग डॉक्टर धनंजय दातार ने अपने जीवन को उजागर किया। बचपन गरीबी में बीता। 10वीं कक्षा में मैं 5 बार गणित में अनुत्तीर्ण हुआ। अपने खाली समय में जब मैं स्कूल में था तब मैं इमली और बेर बेचता था। बाद में कॉलेज के दौरान मुंबई में फिनेल और इंस्टेंट मिक्स जैसे उत्पाद बेचता था। मेरे पिता ने अपनी पिछली नौकरी में दुबई में कंपनी से सेवानिवृत्त होने के कगार पर एक व्यावसायिक अवसर देखा। उन्होंने अपनी दुकान के माध्यम से घरेलू आटा, मसाले, अचार और चटनी आसानी उपलब्ध किए, ऐसे उन्होंने बताया। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत राउरकेला झारसुगुड़ा सेक्शन के सोनाखान स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी हेतु प्री एनआई एनआई का कार्य दिनांक 11 जुलाई से 19 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 18109, 18110, टाटा नगर इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस 19 जुलाई 2022 तक रद्द रहेगी। रेल प्रशासन यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है तथा सहयोग की आशा करता है। बीएल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई और दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय जरीपटका नागपुर और वुमेन स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बीएल अमलानी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र अहिरकर तथा वुमेन स्टडी एंड रिसर्च सेंटर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की संचालिका डॉक्टर राजेश्वरी राणा मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता के बारे में वक्तव्य करते हुए समाज में सबको मानवाधिकार होना चाहिए जो संविधान में लिखा है, तभी समाज की महिलाएं आगे बढ़ सकती है। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर संपदा नासेरी ने स्त्री पुरुष समानता इस विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिंग भेद में समांतर की भूमिका, उसके पीछे की पार्श्वभूमि, आज भी अलग अलग राज्य में शिक्षा की समस्या, उसके बारे में समझाया। आज भी स्त्री पुरुष समानता दिखाई नहीं देती आदि मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है वो सभी क्षेत्र में मिलना चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 22 घंटों के दौरान गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिला प्रशासन ने जिले में आवश्यक सेवाओं और प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य सुविधाओं को बंद करने का फैसला किया है। जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों से 313 लोगों को निकाला गया है। जिले में बाढ़ से 4 लोगों की मौत हो गई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई से सोमवार की दोपहर नागपुर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से गढ़चिरौली जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने वो दोनों अधिकारियों की टीम समेत रवाना हुए। नागपुर विमानतल पर संभागायुक्त डॉक्टर माधवी घोड़े चौरे, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष मनोज सूर्यवंशी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर छेरिंग दुर्जे, संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्वती दुर्जे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक विजय मगर ने उनसे मुलाकात की। यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हवाई अड्डे पर संभाग में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। संभागायुक्त माधवी घोड़े चौरे ने उन्हें इसकी जानकारी दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि जिले में बाढ़ और सिंचाई परियोजनाओं के बंद होने को लेकर गांवों को अलर्ट कर दिया गया है।
MIDC पुलिस थाना अंतर्गत इसासनी रोड पर स्थित भीमनगर परिसर में रविवार की रात हुई बारिश से नाला ओवरफ्लो हो गया। बस्ती के बीच से पानी तेजी से बहने लगा। काम से घर लौट रही माँ बेटी तेज बहाव में बह गई। देर रात माँ की लाश मिली, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी बेटी का शव नहीं मिला। मृतकों में सुकमी भाई राधेलाल मात्रे और अंजलि राधेलाल मात्रे का समावेश है। कई वर्षों पहले इसासनी परिसर में हुई मुरुम खुदाई के बाद यह नाला बन गया। इसके आसपास लोगों ने अपने झोपड़े बना लिए और बस्ती को भीमनगर का नाम दे दिया। रविवार को आई तेज बारिश में जल बहाव इतना ज्यादा था कि दोनों तरफ के घरों में कमर तक पानी जमा हो गया। सुकमी बाई और अंजलि महिंद्रा कंपनी के पास एक होटल में काम करती थी। रात 9:30 बजे आसपास दोनों काम निपटाकर घर लौट रही थी। जैसे तैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के पास पहुंची, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा था। ऐसे में दोनों का पैर फिसल गया और दोनों पानी में बहने लगी। चीख पुकार होने पर लोगों को पता चला, लेकिन इतनी तेज बहाव में कोई बचाने नहीं जा सका। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 1,418 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल 1,41,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 33 मामलों में 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 27,67,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। इन दिनों नागपुर शहर में मानसूनी बारिश पूरे जोरों पर है। पक्की सड़कें ऐसे हालत झेल रही है, लेकिन कच्ची सड़कें लगातार बरस रहे पानी के कारण बड़े पैमाने पर कीचड़युक्त हो जाती है। ऐसे में यात्रा करते समय कई वाहन फंस जाते हैं। इस वाहन को निकालने के लिए कई संवेदनशील नागरिक दौड़े चले आते हैं और वाहन चालक को वाहन बाहर निकालने में मदद करते हैं। ऐसे ही नागरिकों के बीच राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री और जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत भी नजर आए। यह वाक्या उस समय का है जब छात्रों को लेकर जा रहा है एक ऑटो ऐसे ही कीचड़ भरी सड़क में फंस गया। डॉक्टर नितिन राउत सोमवार को यादव नगर क्षेत्र के जयभीम चौक परिसर का दौरा करने पहुंचे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक ऑटो रिक्शा बारिश के कारण कीचड़ में फंस गया है। ये देख डॉक्टर राउत की मानवीय संवेदना जागी और अपनी कार से उतरकर वे स्कूली बच्चों के ऑटो का धक्का देकर कीचड़ से बाहर निकालने पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऑटो रिक्शा को खुद धक्का देकर कीचड़ से बाहर निकाला। हाल ही में हिंगना पुलिस स्टेशन के नवनियुक्त पुलिस अधिकारी विशाल काले का महाराष्ट्र निर्माण सेना हिंगना विधानसभा के पदाधिकारियों की ओर से गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। तहसील के अंतर्गत होने वाले विविध विषयों पर चर्चा की गई। कानून सुव्यवस्था, बढ़ते अपराध तथा अवैध धंधे पर रोक लगाने के लिए मनसे की ओर से विस्तृत तरीके से चर्चा की गई। इस प्रसंग में उपस्थित मनसे तालुका अध्यक्ष दीपक नासरे, वाहतुक सेना चिटनीस महेश साहू, जिला उपाध्यक्ष सचिन चिटकुले, हिंगना विधानसभा संगठक गुड्डू पारदी, अश्विन पुंडे, रणजीत सिंह, महिला सेना के तालुका सचिव अफसाना पठान, प्रियंका शंभरकर, नंदू पोटे हिंगना विधानसभा सचिव, नीलेश भूरसे वाहतुक सेना संगठक, शुभम भोकरे तालुका संगठक, वैभव मुले तालुका सचिव, योगेश टोंगे शहर संगठक वानाडोंगरी, सागर भेंडे तालुका उपाध्यक्ष, समीर कामले तालुका उपाध्यक्ष, राजीव वांदे, दीपक पाठक आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को हेमंत प्रदेश सरचिटनीस तथा जिलाध्यक्ष सतीश कोल्हे प्रमुख मार्गदर्शन में संपन्न किया गया। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले ये कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सोमवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में से 667 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जोन में 465 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 95 शिकायतों में से 41, धर्मपेट जोन में 61 में से 51, हनुमान नगर जोन में 242 में से 211, धंतोली जोन में 79 में से 36 तथा नेहरू नगर जोन में 49 में से 29 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसी तरह गांधीबाग जोन में प्राप्त 35 शिकायतों में से 33, सतरंजीपुरा जोन में 43 में से 26, लकड़गंज जोन में 7 में से 6, आसी नगर जोन में 42 में से 21 तथा मंगलवारी जोन में 14 में से 11 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जगदम्बा ओवरसीज प्लॉट 11 खसरा नंबर 22 अमरावती रोड हिरणवार लेआउट वाड़ी स्थित गोडाउन में औचक निरीक्षण करते समय 479 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक खर्रा पन्नी का संग्रहण पाया गया, जिसे बोर्ड सदस्यों द्वारा जब्त किया गया है। जगदम्बा ओवरसीज पर ₹5,000 प्राथमिक जुर्माना किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने MIDC हिंगना में 5 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की और 6 जुलाई को 1.5 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया था। राज्य में 23 मार्च 2018 से प्लास्टिक बैग और नॉन ओवन प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई 2022 से सिंगल प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित एकल प्लास्टिक की बिक्री, परिवहन, भंडारण, उपयोग और उत्पादन के मामले में पहला जुर्माना ₹5,000, दूसरा जुर्माना ₹10,000 और तीसरा जुर्माना ₹25,000 और साथ ही 3 महीने की कैद। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम में क्षेत्राधिकारी मनोज वाटाणी, उपक्षेत्रीय अधिकारी नागपुर आनंद काटोले एवं क्षेत्रीय अधिकारी अशोक करे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत मनपा द्वारा शहर में जोनल स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। 11 जुलाई को शहर में 4,513 घरों का सर्वे किया गया। धर्मपेट जोन में डेंगू का एक संदिग्ध मरीज मिला। यह जानकारी मलेरिया एवं हाथीरोग अधिकारी डॉक्टर जासमीन मुलादी ने दी। दस्ते द्वारा जिन 4,513 घरों का सर्वे किया गया, उनमें से 138 घरों को और 146 कंटेनर और 68 कूलर में से डेंगू का लार्वा पाए गए। साथ ही 59 कूलर में गप्पी मछली छाड़ी गई। अर्चना साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा एवं बरखा बहार कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिस्लॉप कॉलेज के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में श्री आयुर्वेद महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामेश्वर पांडे तथा आयकर विभाग के सहायक निदेशक अनिल त्रिपाठी उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा माँ शारदा एवं गुरुदेव जागेश्वरानंद महाराज के चित्र को माल्यार्पण किया गया। शशि भार्गव एवं कृष्ण कुमार भार्गव की गुरु वंदना व संस्थाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत शर्मा की सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय ने प्रास्ताविक भाषण में संस्था की गतिविधियों, उद्देश्यों एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। अनिल त्रिपाठी ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कृत मेघदूत के कुछ अंशों का काव्य पाठ किया। डॉक्टर रामेश्वर पांडेय ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा ने गुरु शिष्य संबंधों पर विचार व्यक्त किए। दूसरे सत्र में बरखा बहार कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य गोष्ठी में चंचल सिंह हंसपाल, डॉक्टर कल्पेश उपाध्याय, कृष्ण कुमार भार्गव, डॉक्टर मधुकर वाघमारे, कृष्ण कुमार द्विवेदी, नरेंद्र परिहार, डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय, टीकाराम साहू आजाद, अजय पांडे, सत्यपाल सिंह शिंदे, देवव्रत शाही, डॉक्टर शशिकांत शर्मा, शशि भार्गव प्रज्ञा, अमरजीत कौर, डॉक्टर रागिनी उपाध्याय, विमल उपाध्याय ने वर्षा बहार पर आधारित बहुरंगी गीत, गजल, कविताएं प्रस्तुत की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री इरशाद हुसैन के निवास स्थान पर मोर्चा के पदाधिकारियों ने इरशाद हुसैन से मुलाकात कर उन्हें ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। अल्पसंख्यक मोर्चा महामंत्री नागपुर शहर इरशाद हुसैन ने सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। तत्पश्चात मोर्चा की गतिविधियों पर रोशनी डाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस साल के अगस्त महीने में घर घर झंडा फहराने की सरकार की योजना है। मोर्चा भी अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए उत्तर पूर्व नागपुर में घर घर जाकर तिरंगा ध्वज वितरित करेगा। घर पर हुई बैठक में भाजपा नगर उपाध्यक्ष व झोपड़पट्टी आघाड़ी नगर पालक दिलीप गौर, उपाध्यक्ष रमजान अली, शहर महामंत्री नेताजी गजभिये, नगर उपाध्यक्ष मनोज पांडे, राजेश साहू, अनुसूचित मोर्चा नगर उपाध्यक्ष शंकर मेशराम, प्रभाग अध्यक्ष गुड्डू गुप्ता, मंडल पदाधिकारी राजू भाटिया, विष्णु तिवारी, परम गौर, युवा मंडल संपर्क प्रमुख विक्की बंगले, बंसी यादव, राजू यादव, चैतराम हरोड़, रितेश वासे आदि पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। सावने स्थित स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल ने विशेष सभा आयोजित कर बड़ी ही सादगी से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। कार्यक्रम के सफलतार्थ शिक्षकों ने अथक प्रयास किए। सोशल साइंस विभाग अध्यक्ष अरविंद बुरुलेवार ने अपने संक्षिप्त भाषण में विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है समझाने का प्रयास किया। विद्यार्थियों ने जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराने हेतु स्लोगन, पेंटिंग एवं चार्ट तैयार किए थे। सभी पठनीय सामग्री सलीके से सूचना फलक पर अंकित की गई। PPT प्रेजेंटेशन द्वारा भी कक्षा 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जनसंख्या वृद्धि के कारणों,
परिणामों एवं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपायों की भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व कृषि मंत्री रंजीत बाबू देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना करते हुए सभी का अभिनंदन किया। शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी को पार्टी द्वारा पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र की नई जिम्मेदारी भी सौंपी है। सांसद संजय राउत ने उन्हें पूर्व नागपुर का प्रभारी भी बनाया है। महानगर संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी ने उनकी नियुक्ति का पत्र जाहिर किया। तिवारी अब पूर्व, उत्तर व पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। बताते चले कि प्रवीण बरड़े को शिवसेना प्रवेश के बाद पूर्व व मध्य नागपुर शहर प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब पूर्व की कमान तिवारी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे समूह की बगावत के बाद शिंदे के विरोध में तिवारी के नेतृत्व में शहर में अनेक विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसके चलते उनकी जिम्मेदारी मुंबई मुख्यालय द्वारा बढ़ा दी गई है। आम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए तिवारी द्वारा किए गए अनेक आंदोलनों की वजह से एक नया धड़ा शिवसेना से जुड़ा है। तिवारी ने पक्ष प्रमुख द्वारा दी गई इस नई जिम्मेदारी को उद्धव ठाकरे का आशीर्वाद बताते हुए सांसद संजय राउत एवं विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी का आभार प्रकट किया। पिछले दिनों मेडिकल में ऑनलाइन सेवा अचानक बंद किए जाने से मरीजों सहित डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब व्यवस्था पटरी पर लौट आई है। प्रशासन द्वारा ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने के लिए 15 डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। अब एक ही पर्ची पर मरीजों की दवाई सहित अन्य जांच की भी जानकारी मिल रही है। इससे व्यवस्था और आसान हो गई है। करीब 10 वर्षों से अधिक समय से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा ऑनलाइन सेवा दी जा रही थी। इसके तहत मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था। पिछले दिनों एजेंसी ने अपना काम बंद कर दिया। इसके बाद 2-3 दिनों तक मरीजों सहित इलाज करने वाले डॉक्टरों को परेशानी भी हुई। पश्चात मेडिकल प्रशासन द्वारा 15 डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई। 10 ऑपरेटर ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगाए गए हैं, वहीं शेष ऑपरेटर मेडिसिन और सर्जरी की कैजुअलिटी सहित जहां शुल्क जमा किया जाता है उस काउंटर पर रखे गए हैं। अब ओपीडी में ही कार्ड मिल रहा है। इसी कार्ड पर मरीजों की दवाई सहित अन्य जांच का उल्लेख होता है। इससे व्यवस्था आसान हो गई है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।